मॉर्निंग डॉक्टर्स, हमने जैसा कि स्टडी कर लिया था दोनों सिस्टम्स, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पर्मनेंट सर्कुलेशन। तो आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, के मूवमेंट किस तरह होती है ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू। इसमें हम मेनली वेलोसिटी देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ब्लड फ्लो देखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। सेकेंड नेम स्पीड। स्पीड इज़ रैंडम डायरेक्शन। सपोज वी कैन से दैट दिस इज़ द स्पीड बाई विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ओके। बट वेलोसिटी इज़ अ डायरेक्शन विथ वेक्टर, मीन दैट इन वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो इज़ कॉल्ड ब्लड वेलोसिटी, ओके। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ब्लड फ्लो। वट इज़ ब्लड फ्लो? ब्लड फ्लो वी कैन से दैट द सेकेंड नेम ऑफ ब्लड फ्लो इज़ कार्डिक आउटपुट। ब्लड पासिस थ्रू एनी आर्टरी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ब्लड फ्लो क्या है? ब्लड फ्लो किसी भी आर्टरी में से पर यूनिट टाइम में जो ब्लड पास होता है उसको हम ब्लड फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ब्लड फ्लो के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू मीन ब्लड फ्लो, ओके। देन वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शन? क्रॉस सेक्शन मेन एरिया। सपोज दिस इज़ एओर्टा, दीज आर द आर्टरीज, देन आर्टरियोल्स एंड देन कैपिलरीज, ओके। अभी जो एओर्टा है उसका जो ये डायामीटर है वो तो बड़ा हो सकता है। सपोज दिस इज़ बिग एओर्टा, ओके। एओर्टा का जो डायामीटर है वो तो बड़ा हो सकता है लेकिन क्रॉस सेक्शन कम होगा। मतलब क्या है इसका? इसको हमने मैंने ऐसे डिवाइड किया कि एओर्टा ये कैपिलरीज और ये यहाँ अप टू कैपिलरीज आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एओर्टा जो है ये एक, इसका डायामीटर तो बड़ा है लेकिन ये जगह थोड़ी फिल कर रहा है, लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो ज़्यादा जगह फिल कर रही हैं। जो ब्लड एओर्टा से आ रहा है वो सारी की सारी कैपिलरीज में जा रहा है, लेकिन कैपिलरीज का जो एरिया है वो ज़्यादा है, एओर्टा का एरिया कम है, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शन। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होता है, मतलब एरिया हम क्रॉस सेक्शन का राउंड ले रहे हैं, मतलब हमारी जो भी वेसल होगी चाहे वो एओर्टा हो चाहे वो कैपिलरीज हो तो वो राउंड होगी। तो हम इसको एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखें कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ब्लड फ्लो बाई क्रॉस सेक्शन बाई मेन एरिया, ठीक है। हम इसको अगर इस तरह लिख दें तो वेलोसिटी वैसे की वैसे इज़ इक्वल टू क्यू फ्लो बाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस जो है वो स्क्वायर, उसका स्क्वायर और पाई 3.4। ब्लड फ्लो किसी भी आर्टरी में फाइंड करना चाहेंगे, वेलोसिटी जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये ऐसा है कि वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ब्लड फ्लो का हमें पता होना चाहिए मतलब कार्डिक आउटपुट, और पाई आर स्क्वायर हमें रेडियस का पता होना चाहिए कि एओर्टा का रेडियस क्या है, या हम कैपिलरीज में फ्लो फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैपिलरीज का फ्लो क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी सर्कुलेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। अगर इसी चीज क्रॉस सेक्शन को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करूँ, सपोज दिस इज अ ग्राफ, क्रॉस सेक्शन इज़ इन दिस साइड, ओके। अभी क्या है कि ये देखें क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे बाय द टाइम अप टू कैपलरीज ये बढ़ता जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एरोटा होता है, फिर ये एरोटा कम स्पेस लेते हैं, फिर ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं, फिर ये उससे ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और फिर अप टू कैपलरीज बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इसी तरह ये बढ़ता जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। तो अप टू कैपलरीज ये क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब वेना केवल सिस्टम में आता है तो ये डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, कि क्योंकि ये अगेन इसी तरह वापस आए। सपोज दिस इज़ ये दिस आर द कैपलरीज कंबाइनिंग अगेन एंड मेकिंग वेन्यूल्स देन अप टू वेन्स, ओके। तो वेन्स का क्रॉस सेक्शन अगेन कम है और कैपलरीज का ज़्यादा है, ठीक है। मीन दैट जैसा एओर्टा में आया इस तरफ इंक्रीज करता गया, इस तरफ डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट,
अगर वेलोसिटी को शो करें तो एओर्टा में जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न, हमारा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें, उसके थ्रू एओर्टा में ब्लड आता है, तो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बहुत हाइयर प्रेशर के साथ क्रिएट करके एओर्टा में ब्लड भेजता है। तो नॉर्मली जो एओर्टिक प्रेशर होता है 120/80 हमने डिस्कस किया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में की वजह से एओर्टा में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। देन कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा कम होगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल में आर्टरियोल्स आते हैं, बिफोर द कैपिलरीज आर्टरियोल्स होते हैं। तो आर्टरियोल्स क्या करते हैं, आर्टरियोल्स जो प्रेशर आ रहा होता है उसे अगर उसी प्रेशर के साथ कैपिलरीज में सेंड कर दें तो कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाएंगी। तो उसको को एवॉइड करने के लिए हमारे जो आर्टरियोल्स हैं वो वर्क करते हैं और हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, तो कैपिलरीज में ब्लड इजी मूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कैपिलरीज की वाल्व बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज में वेलोसिटी बहुत कम होगी और वेन्स में अगेन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो 70% ऑफ ब्लड है वो वेन्स में होता है, ठीक है। और हमारा अगेन रिमेनिंग नियर अबाउट 25% आर्टरीज और 5% कैपिलरीज, ओके। तो ये डिफरेंट हैं परसेंटेजेस, जिनके हिसाब से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी उसके थ्रू वेलोसिटी के थ्रू मूव करता है, ठीक है। एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर होगा, कैपिलरीज में कम होगा, वेन्स में अगेन इंक्रीज करेगा, बट इतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना एओर्टा में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्या पढ़ा, रिकैप, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ब्लड फ्लो, वेलोसिटी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन, वी कैन फाइंड एनी वेसल क्रॉस सेक्शन ब्लड फ्लो और वेलोसिटी, ओके। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन एओर्टा देयर इज द लेस क्रॉस सेक्शन, कैपिलरीज हैव हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एंड द वेना कैवा केमा हैव लोअर अगेन लेस। देन वेलोसिटी, एओर्टा हैव लार्ज वेलोसिटी, कैपिलरीज हैव मिनिमम वेलोसिटी एंड वेन्स हैव इंक्रीज्ड वेलोसिटी अप टू देन कैपिलरीज एंड लेस देन एओर्टा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, रिकैप हो गया। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।